हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम विजय कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ड्स के कॉमन एरर सेक्शन में। हम लोग अभी कॉमन एरर्स के ऊपर डील कर रहे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं 90 क्वेश्चंस करवाऊंगा। कल वर्ड्स के पार्ट 9 में आपने 20 क्वेश्चंस किया, ये वर्ड्स का पार्ट 10 है और यहां भी हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस में 20 रूल्स सीखेंगे। आशा करता हूं कि सभी को ये वीडियो, जैसा पीछे का सारा वीडियोस पसंद आया है, वैसे ये भी पसंद आएगा। और इसी पसंद के साथ पहला क्वेश्चन सभी के सामने, क्या कह रहा है? कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। अगर नो एरर है तो डी मार्क करना है आंसर में, लेकिन अगर एरर लग रहा है तो ए में, बी में और सी में जिसमें लग रहा है वो मार्क कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो क्या बोल रहा है, क्या मैं उधार दे सकता हूं तुम्हारा बुक एक घंटा के लिए? प्लीज, लेना है उधार उसका बुक है या देना है उधार? यहां पर लेंड क्या होता है, लेंड का मतलब होता है उधार लेना, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है ध्यान देता है। लेंड का मतलब क्या होता है, उधार लेना? नहीं, लेंड का मतलब क्या होता है भाई, उधार देना। यहां किसी और का बुक मांगा जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि उधार लेने की बात हो रही है। अगर उधार देने की बात हो तो क्या बोलेंगे, लेंड। मैं किसी को दूंगा तो मैं लेंड करूंगा, लेकिन कोई मुझसे लेगा तो वो मुझसे बोरो करेगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखना है, लेंड वर्सेस बोरो से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा इसको दिमाग में रखना है कि अगर लेंड या बोरो वर्ड्स दिया हुआ है तो क्या वो सार्थक है या नहीं। वहां पर इस चीज को चेक करेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, व्हाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाउंड इट सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स। अगर कोई एरर नहीं है तो डी कर सकते हैं हम लोग आंसर, लेकिन अगर कोई एरर होगा तो वहां पर हम लोगों को बताना है कि कहां एरर है, ए में, बी में या फिर सी में। चेक करते हैं, गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, गोइंग थ्रू द रिपोर्ट मतलब पूरा रिपोर्ट पढ़ रहा था, कब? कल। और उसमें मुझे आई फाउंडेड सेवरल, बहुत सारे फैक्चुअल मिस्टेक्स मिले, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो कि वहां पर गलत लिखा हुआ था। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ड आ गया है फाउंडेड, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, फाउंडेड वर्सेस फाउंड। फाउंडेड का मतलब होता है established और found का मतलब होता है searched या फिर got या फिर मिला। ठीक है, मुझे मिला, yesterday I found several factual mistakes, यहां पर ये चीज सेंस में जा रहा है। मिस्टेक्स को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के साथ हम फाउंडेड यूज करते हैं क्योंकि उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट वीडियो में हमने 20 किया था, यहां भी 20 कर रहे हैं और बिल्कुल सीरीज में कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर क्या बोल रहा है देखते हैं, द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच, एमिनेंट मतलब बहुत प्रख्यात जो भी होते हैं उनका स्पीच, वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन, जितने भी मेजर चुकी एमिनेंट स्पीकर हैं तो जाहिर सी बात है प्रसारण पूरे रेडियो पे होगा। और यहां पर हमको बताना है वही चीज कि एरर है या नहीं, नहीं है तो डी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहां पहुंचते हैं क्या देखते हैं हम लोग, यहां पर हमको दिखता है ब्रॉडकास्टेड। अगर हम ब्रॉडकास्ट के ऊपर बात करें या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जैसे कि टेलीकास्ट, पॉडकास्ट हो, तो वहां पर याद रखना है हमको कि V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है। यहां भी तीनों सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है, एक ईडी फॉर्म यहां ऐड कर दिया है। मतलब जब
ब्रॉडकास्ट का V2 V3 दोनों ही बिना ईडी के होता है, तो यहां पर ईडी कैसे आ गया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इट मींस कि ये ब्रॉडकास्टेड को काटेंगे और क्या करना होगा, हमको ब्रॉडकास्ट का यूज करना होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो देखे किस तरह से कंजुगेशन ऑफ वर्ब से रिलेटेड एरर समझे यहां पूछा गया। अगर किसी को नहीं पता है कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, तो वो वर्ब्स का सारा लेक्चर्स अपलोड किया जा चुका है चैनल पर, उस चैनल बीएससी कोचिंग के चैनल पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही वेंट आउट ऑफ द क्लास व्हेन अ मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स अटैक्ड हिम। ठीक है, वह क्लास से बाहर गया ही था, क्लास से बाहर वह गया ही था कि एंग्री स्टूडेंट्स का मॉब, भीड़ जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया। यही कहना चाह रहा है, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन, ये सब का मीनिंग ऐसे ही चलता है। वह गया ही था तो कुछ हो गया, पहुंचा ही था तो हो गया, ऐसा चीज। यहां पर क्या होना चाहिए? एरर। एरर अगर बोला जाए तो वर्ब्स पर हम लोग, वर्ब्स के अंदर ही एरर होगा। यहां पर अगर हम वर्ब को देखते हैं, हार्डली हैड ही वेंट आउट ऑफ द क्लास, तो हैड के साथ क्या आ रहा है हमारे पास? वेंट आ रहा है। अब हमको एक चीज समझना होगा, V1 V2 V3 किसका? गो का। गो का V1 V2 V3 क्या है? गो है, वेंट है और गॉन है। अब एक चीज समझने की बात है, मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ा रखा है कि has, have, had के साथ हमेशा क्या आएगा? V3 आएगा। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है? had के साथ क्या आ रहा है? V2 आ रहा है। लेकिन रूल क्या है? has, have, had के साथ क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए। यहां क्या हो जाएगा भाई? वेंट होगा क्या? नहीं, वेंट नहीं होगा, बल्कि गॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आई होप सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बोल रहा है 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है इसमें? अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो बोला जा रहा है, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। अगर कोई एरर नहीं है तो डी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर एरर है तो बताना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उसका पार्टी जो है वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अब अगर हम लोग एक चीज नहीं जानते हैं तो वो जान लेना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल गलत माना गया है। डू अ मिस्टेक नहीं होता है, क्या होता है? मेक अ मिस्टेक होता है। अब डू का V3 दिया हुआ है डन, तो मेक का V3 जो होगा मेड, उसी से ये रिप्लेस हो जाएगा, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो कभी भी मिस्टेक अगर मेक, मेड अ मिस्टेक कह रहा है तो वो हम लोग गलत मानेंगे, वहां डन अ मिस्टेक कह रहा है तो गलत मानेंगे, मेड अ मिस्टेक कह रहा है तो उसको क्लियर सही कहा जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? मिस्टर मेहता इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल मी इवन हिज फादर्स नेम। अगर कोई एरर नहीं है तो डी मार्क करो, लेकिन अगर एरर है तो वहां क्या करना होगा, हमको बताना होगा कि क्या एरर है। क्या बोल रहा है? मिस्टर मेहता का कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है क्या, कि वो ड्रंक हैं। मतलब मिस्टर मेहता कैसे हैं? ड्रंक हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं कि ड्रंक वर्ब 3 है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं। ड्रंकन एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब नहीं। ठीक है, वर्ब मतलब वर्ब 3 एज अ वर्ब नहीं, वर्ब 3 एज एन एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब 3 एज अ वर्ब नहीं। मतलब यहां पर क्या हमको करना होगा, कोई बात ये नहीं बोल रहा है कि क्या कर रहे थे मिस्टर मेहता या क्या कर रहे हैं मिस्टर मेहता, नहीं, बोला क्या जा रहा है, मिस्टर मेहता का कंडीशन कैसा है,
कैसा है मिस्टर मेहता, नाउन वो कैसा है, मतलब नाउन को क्वालिफाई जो करेगा क्या होगा, एडजेक्टिव। यहां पर क्या दे दिया है, वर्ब दे दिया है, होना क्या चाहिए था, ड्रंकन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे पता होता, इफ आई न्यू डेट माई फ्रेंड हैड टू विजिट द टाउन टूडे, आई वुड हैव मेक हिज डे स्टे कंफर्टेबल। अगर मुझे पता होता कि मेरा दोस्त आज आने वाला है टाउन में, तो मैं उसका विजिट, उसका स्टे, रहना उसका बहुत कंफर्टेबल बना देता, उसको बहुत सुविधाजनक मैं बना देता। अब ऐसा कह रहा है, अगर मुझे पता होता, इफ आई न्यू, एक रूल मैं बता देता हूं, इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट आ रहा है, सिंपल पास्ट मतलब वी टू, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जनरली हम लोगों को कंडीशनल्स में ये रूल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि वर्ब से रिलेटेड टेंस भी है, कंजुगेशन भी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वर्ब्स में भी दिखने को मिल जाते हैं हमें। अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ के साथ सिंपल पास्ट है जो कि यहां है, तो क्या होगा, would, could या might plus v1, लेकिन यहां पर क्या दे रहा है, would have make, जो कि गलत हो जाएगा, क्या करेंगे, would plus v1 मैंने बोला है, would have plus v1 नहीं बोला है, यहां would है उसके बाद v1 आ गया, I would make his stay comfortable। तो one of the golden rules जो मैंने यहां लिखा है, ये सभी याद कर लेंगे, very important। if के साथ simple past अगर आ रहा है, तो we use would, could और might plus v1। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मेनी अ पैट्रियट वर फिल्ड विथ पैट्रियटिज्म। फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, उसके दौरान बहुत सारे पैट्रियट, बहुत लोगों को लग रहा होगा मेनी ए, ये कैसे हो गया भाई, मेनी ए मेनी एन होता है, याद रखना, मेनी ए और मेनी एन दोनों ही सही है, इसका मतलब होता है मेनी, ठीक है, इसका मतलब मेनी ही होता है। मेनी अ पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त, देशभक्त के अंदर देशभक्ति से भर गए, वो जुनून आ गया देशभक्ति का, और बोल रहा है कि बहुत सारे, लेकिन एक चीज याद रखना होगा हमको, मेनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, मीनिंग सेम है, मैंने बीच में इक्वल टू इसलिए दे दिया क्योंकि मीनिंग सेम है। अगर मैं बोल रहा हूं मेनी पैट्रियट्स वर फिल्ड विथ पैट्रियटिज्म तो भी सही, मेनी अ पैट्रियट वाज फिल्ड विथ पैट्रियटिज्म तो भी सही। यहां पर अब हम क्या करेंगे, मेनी, अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इस मेनी अ पैट्रियट को ही अगर मेनी पैट्रियट्स कर दिया जाए तब तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉमन एरर पूछ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉमन एरर पूछ रहा है, जिसमें सब्जेक्ट अगर गलत नहीं है तो वर्ब में ही मार्क करना, यह नहीं कि वर्ब के अनुसार से सब्जेक्ट, नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब, ये काम करना। अगर दोनों गलत है तब क्या केस होगा वो हम लोग देखेंगे किसी ना कुछ क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, मेनी अ पैट्रियट सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब, वॉज फिल्ड विथ पैट्रियटिज्म। तो ये अनदर गोल्डन रूल है, इसको याद कर लेंगे सभी लोग, मेनी ए और मेनी एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स, बहुत एक दर्जन ज्योग्राफी बुक है, कहां है, शेल्फ में, मेरे पर्सनल लाइब्रेरी के शेल्फ में है, और आप जब भी चाहते हो उनका यूज कर सकते हो। यहां पर क्या है, अगर नो एरर तो मार्क कर सकते हैं डी हम, लेकिन चेक करना होगा कितना है भाई, कितना है,
कितना की बात हो रही है? एक दर्जन की, मतलब डजन जो है यहां इसके साथ क्या आ रहा है? एक। तो एक दर्जन, कभी हिंदी में बोलते हो तो क्या बोलते हो? एक दर्जन केला है, यही बोलता है ना, या एक दर्जन केले हैं, ठीक है? यह सोचने की चीज है। तो यहां पर एक दर्जन है, इसीलिए देयर इज करेंगे, देयर आर अगर हम लोग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी देयर के साथ क्या रूल कहता है? देयर के साथ इज या आर या वाज या वर उसी या हैज कुछ भी आए, सिंगुलर बाद में अगर सिंगुलर है तब ये आएगा, और बाद में अगर प्लूरल है तब ये आएगा। इसीलिए हम लोग देयर इज अ किंग, देयर आर मेनी पीपल, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। होप सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एमेंडमेंट्स टू आर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछले स्वतंत्रता के बाद जो 50 ईयर हुआ है, ठीक है, पिछले 50 ईयर जो स्वतंत्रता के बाद हमने देखे हैं, उसमें एमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव होता है उसको एमेंडमेंट कहते हैं। वो उसका जो संख्या है बहुत ही ज्यादा है। अब देखो, किसी चीज के संख्या की अगर बात कर रहे हैं, कभी भी एक मैं क्वेश्चन और दे देता हूं, अगर दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज आर 40 या इज 40, ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तो बॉयज 40 हैं, लेकिन बॉय का नंबर क्या होगा? आर हम यहां यूज कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरह यहां भी नंबर ऑफ एमेंडमेंट्स की अगर बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? हैज का यूज कर देंगे। हैव अगर करते तो गलत हो जाता। नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तो आता है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। ये याद रखेंगे, द नंबर ऑफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है? इंडिया के नॉर्थ में कौन है? हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयाज है इंडिया के नॉर्थ में। अब इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज है, यहां पर क्या बोल रहा है? इज हिमालयाज क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसको हम लोग माउंटेन रेंजेस कहते हैं, बहुत सारे रेंजेस हैं इसके अंदर। डैट्स वाई इसको कभी भी हम लोग हिमालयाज के साथ इज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगर हमको कभी भी ये चीज में परेशानी आए तो याद रखना कि भाई यस। तो किसी भी कभी भी ये क्वेश्चन है तो याद रखेंगे, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज है और हिमालयाज के साथ क्या आएगा? आर आएगा। यहां भी देखो क्या दिया? डैट वर दिया। ये वर किसके लिए आया? हिमालयाज के लिए आया। वंस इंप्रेग्नेबल, इंप्रेग्नेबल मतलब जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन खासकर SSC, CDS एंड MTS जैसे एग्जाम्स में पूछता है। नेक्स्ट, शी डिसअपीयर्ड एंड फाउंड डेड नियर अ वेल आउटसाइड द विलेज। आई फाउंड अ पेन। यहां पर क्या है? आई फाउंड अ पेन मतलब मुझे एक पेन मिला। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, आई फाउंड एस्लीप। हो सकता है क्या? आई फाउंड एस्लीप हो सकता है, मुझे कोई सोया हुआ पा सकता है, लेकिन मैं सोया हुआ कैसे पाया जाऊं? उसी तरह शी डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गई, एंड फाउंड डेड, वो कैसे फाइंड करेगी, एंड वाज फाउंडेड, ये जो डिसअपीयर हुई थी
एक्टिव हुआ, लेकिन वाज फाउंडेड क्यों हो गया, क्योंकि इसकी मौत हुई है, पैसिव वॉइस में जाएगा फाउंडेड वाला केस। तो ये चीज याद रखेंगे, एक सेंटेंस में वर्ब हमेशा क्लियर होना चाहिए। वॉय अगर एंड से दो वर्ब जुड़ रहा है तो क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि इसके साथ कुछ आ रहा है इसके साथ कुछ आ रहा है तो हम लोग यूज कर दें, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि वर्ब्स हमेशा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माय फ्रेंड्स, अगर नो एरर है तो डी मार्क करो। एक सेंटेंस मैंने लिखा, I had eaten an apple last week, और मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह सेंटेंस सही है, दिखने में सही लगेगा, क्यों, क्योंकि टेंस और टेंस के कॉन्सेप्ट्स तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते क्या है, स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट क्या है। अगर हमको बोला जाए कि सिंपल प्रेजेंट क्या है, बताओ क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव, बस सिंपल प्रेजेंट ओवर। अगर हमसे बोला जाए सिंपल पास्ट बताओ, सब्जेक्ट प्लस वी टू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट टेंस क्या होता है बताओ, अगर मैं बोलता हूं ये चीज तो कोई भी ऐसा टेंस जो प्रेजेंट शो करता है, पास्ट क्या है तो कोई भी ऐसा टेंस जो पास्ट शो करता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, याद करना तो बहुत दूर की बात। अब बहुत लोग बोल सकते हैं स्कूल में तो हम लोग ऐसा ही पढ़े हैं, स्कूल के टाइम जो दिमाग था और अभी जो दिमाग है उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो आपके दिमाग के अनुसार पढ़ाते हैं, वो बहुत एडवांस में नहीं जा सकते हैं। ये आप, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके टीचर्स ने आपको गलत पढ़ाया। What am I trying to tell? कि जो हमने पढ़ा है उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और देखो क्या सेंटेंस है, क्वेश्चन क्या है, I had been to Delhi last week to visit my friends। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर मार्क करना है, लेकिन अगर कोई एरर है तो बताना है कि किसमें है, ए में है, बी में है या सी में है। मैंने एक सेंटेंस यहां लिख दिया, I had eaten an apple last week, दिखने में सही लग रहा होगा लेकिन है बिल्कुल गलत। I ate an apple last week, कहीं पर कोई भी, यह नहीं कि पास्ट का एक्शन है तो कोई भी पास्ट टेंस वहां चलेगा, सिंपल पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ऐसा अगर कहीं हमको देखने को मिल रहा है तो वो एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जिसको हमको अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। वही चीज इस सेंटेंस में भी हुआ है, आई हैड बीन टू दिल्ली नहीं, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड्स। क्यों होता है मैं बता देता हूं, दो टेंस फॉर्म्स है इंग्लिश में पास्ट के अंदर, वैसे तो चार है, हम लोग दो के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, देख रहे हैं, एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही है ये कहता है एनी एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट। डिफिनीशन पर ध्यान दो, डिफिनीशन नहीं पढ़ते हैं केवल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है भाई, सिंपल वास का डिफिनीशन क्या कहता है, एनी एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, एनी एक्शन दैट हैड हैपेंड इन पास्ट Before another action, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, सिंपल है, I went to Delhi before
मंडे। I had gone to Delhi before Monday. और ये जो क्वेश्चन था उसको भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। I went to Delhi last week. I had been to Delhi लास्ट वीक। अगर ये चार सेंटेंसेस हम लोग देखें, चारों सेंटेंस अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। बार बार मैं इस चीज पे बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ने से टेंस खत्म नहीं हो सकता है। टेंस कभी भी पढ़ना है तो उसके लिए पूरा क्या पढ़ना होगा, उसके फंक्शंस को पढ़ने होंगे, तभी जाकर होगा। देखने में सब सही लगेगा मुझे पता है, क्योंकि पास्ट टेंस को हम लोग केवल पास्ट टाइम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या डिफिनेशन पढ़ाया, सिंपल पास्ट कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ, और पास्ट परफेक्ट कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ लेकिन किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ। अब ये सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू दिल्ली बिफोर मंडे, मंडे के पहले मैं गया था, इसका मतलब ये एक्शन जो है किसी समय से पहले पास्ट में हुआ था, जिसको हम लोग कहेंगे हैड गॉन। यहां है आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर मंडे, मंडे से पहले मैं गया था, ये सही है, ठीक है। I went to Delhi last week और I had been to Delhi last week, last week गया था, मतलब कोई भी एक्शन जो पास में हुआ किसी से पहले नहीं हुआ, तो I went to Delhi last week तो सही है, लेकिन I had been to Delhi last week कैसे कह सकते हैं, तभी कहेंगे ना जब किसी से पहले हुआ था। तो वही चीज बच्चे क्वेश्चन में भी बताया जा रहा है, आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड, मैं दिल्ली गया था पिछले सप्ताह अपने दोस्तों से मिलने। किसी चीज किसी समय के पहले गया होता तब हैड बीन लगाते हैं, नहीं गए हैं तो केवल वेंट लगाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्या है? Either she or you is to blame for the mismanagement of the domestic affairs. अगर कोई एरर नहीं है तो डी मार्क करेंगे, लेकिन कहीं अगर एरर है तो बताना होगा कि ए में है, बी में है या सी में है। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं हमको मिलता है एक टर्म जिसको कहते हैं either or. इधर और एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके अलावा मैं कुछ और भी कोरिलेटिव्स लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं इस रूल के हिसाब के हैं। ये तीन, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कोरिलेटिव्स की मैं बात कर रहा हूं। इसका रूल याद रखेंगे, ये तीन जहां भी होगा, ठीक है, ये तीन जहां भी होगा हम लोग क्या करते हैं, रूल कहते हैं फॉलो द लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, फॉलो द लास्ट सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ, या तो वो या तो तुम, या तो वह या तो तुम इज टू ब्लेम फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। डोमेस्टिक घर का जो इतना काम है वो सब का मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, और इसके कारण या तो उसको या तो तुमको क्या किया जाना चाहिए, ब्लेम किया जाना चाहिए। इसमें एरर दो है एरर, लेकिन है बी में ही, दोनों एरर बी में ही है। क्या है दो एरर? एक एरर तो मैं अभी तुरंत समझा दूंगा इससे, इधर शी और यू
जैसे ही एक शी है और एक यू है, रूल क्या कहता है, लास्ट सब्जेक्ट को फॉलो करना है। लास्ट सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू है, शी तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। अब यू इज कभी हो सकता है क्या, यू इज कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो पहला एरर क्या बन गया यहां, इधर शी और यू आर, ठीक है, पहला एरर क्या बन गया, लास्ट सब्जेक्ट को फॉलो किए तो यहां आ गया इधर शी और यू आर। और टू ब्लेम का मतलब तो हो गया ब्लेम करना, जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम टू ब्लेम यू, मतलब मैं तुमको ब्लेम करूंगा, ठीक है। लेकिन आई एम टू बी ब्लेम्ड, मतलब मुझे ब्लेम किया जाएगा। तो यहां पर क्या बात हो रही है, इनको ब्लेम करना है, तो टू ब्लेम भी कटेगा और आ जाएगा आर टू बी ब्लेम्ड। और इस चीज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, इधर शी और यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। तो दो टाइप का इसके अंदर एरर था जो मैंने बता दिया, एक किससे रिलेट कर रहा था, इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और एक किससे रिलेट कर गया, एक्टिव एंड पैसिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वर द चिल्ड्रेन दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग लॉन्ग बस जर्नी, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है, लॉन्ग बस जर्नी है, ठीक है, और लॉन्ग बस जर्नी के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को किन्होंने मचा के रख दिया भाई, बच्चों ने बहुत परेशान किया। अब हमसे बोला जा रहा है कि क्या है भाई इसके अंदर कोई कॉमन एरर है क्या, ध्यान देने की बात है। और मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, इट के साथ यहां चिल्ड्रेन तो आ गया जो कि क्या है, प्लूरल है, लेकिन रूल याद रखना, प्लूरल इट से मतलब होगा वर्ब को, कभी भी बाद में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं होगा। इट अगर है शुरुआत में तो इज या वाज ही होगा, इसके बाद प्लूरल आए या सिंगुलर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट वाज द चिल्ड्रन ही होगा। इट वर द चिल्ड्रन हम अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज अपने दिमाग में सभी लोग रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस चीज को हमको समझ के रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ही विल बी लाइकली टू लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर टू विजिट हिज ब्रदर, यहां ईयर है, ठीक है, He will be likely to leave for the United States last year to visit his brother. अब एक बात, अगर पिछले साल कोई जाएगा तो जाहिर सी बात है will तो नहीं होगा, ठीक है, तो will नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, would हो जाना चाहिए। He would be likely to leave for the United States last year to visit his brother, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। विल से वुड से यहां मतलब ही नहीं है भाई, यहां मतलब क्या है, लाइकली से, लाइकली है और लास्ट ईयर है, तो यहां पर आएगा वाज, ही वाज लाइकली टू लीव। लाइकली के अंदर लाइकली के साथ विल और वुड लगाने का गलती मत करना, ये बहुत लोग सोचेंगे कि एरर में तो चलो बना लेते, लास्ट ईयर देखते तो विल देखते तो एरर कर देते ए, लेकिन इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता तब क्या करते, विल को उड कर देते, ऐसा नहीं है। लाइकली वर्ड के साथ विल और उड नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो खुद लाइकलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ही वॉज लाइकली टू विजिट, चांसेस उसके थे, इसीलिए ये रूल याद रखना, वी डोंट यूज will or would with likely or unlikely. Next question, the soldiers along with the commander was court-martialed for defying the orders. Orders नहीं मानने के कारण court martial कर दिया गया, किसको, commander को और soldiers को। यहां पर देखो एक word आया है जिसको कहते हैं along with हो
along with हो, together with हो, बच्चे इसके अलावा in addition to हो, besides हो, except हो, no less than हो, and not हो, but not हो, ऐसे words अगर होते हैं, ऐसे words अगर होते हैं तो क्या हम करेंगे? पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. एक जगह हम लोग देखे थे ना, फॉलो द लास्ट सब्जेक्ट. यहां क्या करेंगे? फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट करेंगे. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सोल्जर्स. तो यहां क्या आ जाएगा? वाज की जगह वर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर. इधर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अपोजिट होता है ये विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, और जो भी वर्ड्स मैंने बोले. तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 37. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38. द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टिल वर्किंग. जो बाकी बचे हुए छात्र लोग हैं वो अभी भी काम कर रहा है या काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, बाकी बचे हुए जितने छात्र हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं बोलेंगे, इसीलिए यहां इज जो है गलत कहलाएगा. क्या यहां होना चाहिए? द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल वर्किंग. इज स्टिल वर्किंग नहीं. ये चीज याद रखो, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. यहां प्लूरल है, प्लूरलिटी का सेंस है, तो हम लोगों को प्लूरल ही यूज करना है, सिंगुलर के बारे में सोचना भी नहीं है. तो यह था हमारा क्वेश्चन 38. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास. क्या कह रहा है? नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एबल टू डू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स. इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि काम कर सकता है 10 घंटे तक लगातार. ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, ठीक है? तो कोई भी नहीं कर सकता है कंटिन्यूअसली, एकदम लगातार. कैन जब आ ही गया तो बी एबल टू आने की क्या जरूरत है? हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं. कैन का मतलब ही होता है बी एबल टू. अगर मैं बोल रहा हूं आई कैन स्विम, इट मीन्स ही होता है आई एम एबल टू. तो नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन वर्क, ठीक है, कैन डू वर्क भी हो सकता है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. कैन डू वर्क हमारा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके. तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है, कैन वर्क या कैन डू वर्क, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या बोला जा रहा है? द पीरियड ऑफ 25 years हैव पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब. अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर मार्क करेंगे, अगर एरर है तो बताना है. यहां पर 25 साल का क्या बीत गया? पीरियड बीत गया, मतलब एक 25 साल का कलेक्शन की बात हो रही है. तो जाहिर सी बात है यहां हैव नहीं होकर क्या हो जाएगा? 25 साल के पीरियड की बात हो रही है, यहां पर हैज हो जाएगा. द पीरियड ऑफ 25 years हैज पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब. तो वही कॉन्सेप्ट, यहां पर नाउन के तरह से हमने वर्ब का यूज किया. तो याद रखना है हमको कि जिस तरह का नाउन आएगा उसी तरह का वर्ब आएगा. आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, 20 questions किया हमने. नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. मुझे बिल्कुल ये चीज समझ आ गया है कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, और यही चीज मैं आप सभी को भी समझाना चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट.